गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे स्मार्ट टेक कार पे। आज का वीडियो है अशोक लीलैंड गाड़ी के ऊपर। आज का हमारा जो वीडियो है वो अशोक लीलैंड के डायग्नोसिस टूल EVC20 जो ये डायग्नोसिस टूल्स है, जो सॉफ्टवेयर है, आज वो कैसे काम करता है आज हम उसके बारे में बताते हैं कि उसमें कैसे कैसे फॉल्ट कोड और पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉल्ट ये है और अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने इसको लॉगिन कर लिया है और कुछ इंस्ट्रक्शन आए हैं यहाँ पर। हम लोग इसको जाएंगे इधर और यहाँ से ये डिटेक्शन शुरू कर देगा। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ECU को 1, 2 जितने भी ECU डिटेक्ट करेगा वो सारे इधर शो होना शुरू हो जाएंगे। फोर ECU को इसने नंबर ऑफ ECU डिटेक्ट किए हैं, 4, 4 ECU इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। और अभी हम देखेंगे कि इसमें ये कैन कम्युनिकेशंस का एरर आ रहे हैं, कैन कम्युनिकेशन के एरर आ रहे हैं, जो कि SCR मॉड्यूल्स में जो पावर सप्लाई का इश्यूज़ हो रहा है। तो ये SCR के कैन कम्युनिकेशन का इश्यूज़ है, नॉक सेंसर का इश्यूज़ है। तो यहाँ पर आप ये डेंसो ECU है, यहाँ पर आप ECU इंफॉर्मेशन, लाइव डेटा, एक्चुएटर, एडजस्टमेंट वैल्यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इसमें आता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में सारा आपको पैरामीटराइजेशन करना है, जस्ट ECU वैल्यू, लाइव पैरामीटर, सिचुएशन डेटा और ACU। यहाँ पे अपना ACU है या फिर ट्रीटमेंट सिस्टम का होता है, तो यहाँ पे ACU को भी आप चेक कर सकते हैं, लाइव डेटा वगैरह। ये आप लाइव डेटा वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं, SCR मॉड्यूल का होता है ये। यहाँ पे एडजस्टमेंट वैल्यू सारी चेक कर सकते हैं आप, ये सारा वैल्यूज इधर आ रहा है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं एड ब्लू प्रेशर, एड ब्लू सेंसर वोल्टेज, ये सब चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अवेलेबल्स मिलेगा, आप काफ़ी कुछ इससे चेक कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार फॉल्ट किस चीज़ में है, तो वो आपको दिखाने चलते हैं। अभी अपने लैपटॉप से देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये गाड़ी है अशोक लीलैंड की और अभी हम इसमें पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, अभी वोल्टेज सप्लाई, कैन कम्युनिकेशन ये चेक कर रहे हैं, कैन कम्युनिकेशन प्रॉपर आ रहा है लेकिन पावर सप्लाई इसमें नहीं आ रही है। तो मल्टीमीटर के ज़रिए से हम देखेंगे कि ये मल्टीमीटर से यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज चेक हो रही है। तो अभी ये हम कैन कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई नॉक सेंसर की चेक करेंगे। तो सबसे पहले कैन कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, जियो टो काम नहीं कर रहा क्या? तो ये कैन कम्युनिकेशन के वोल्टेज आ रहे हैं, ये जो वोल्टेज आ रहे हैं दोनों वायर में वोल्टेज आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इस पावर सप्लाई इसकी चेक करो, तो पावर सप्लाई इसमें नहीं आ रही है। तो इसमें और देखो दूसरा, और देखो, तो इसके अंदर क्या है, पावर सप्लाई नहीं आ रही है। तो पावर सप्लाई ऊपर से हम लोग चेक करेंगे, सॉकेट के अंदर पावर सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ऊपर पावर सप्लाई देखेंगे, फ्यूज़ बॉक्स में जाके पावर सप्लाई की रिले वगैरह चेक करेंगे नॉक सेंसर की। तो ये अभी इसका बॉक्स खोला है, इसका बॉक्स खोला है और अभी इसके अंदर सर करीब लगा, तो यहाँ पे ये इसका फ्यूज़ बॉक्स का लेबल लगा हुआ है कि फ्यूज़ कौन कौन सी जगह पे है। तो नॉक सेंसर का फ्यूज़ चेक करवाते हैं अभी।